मेरी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं सिद्धि को, जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। थैंक यू सो मच सिद्धि, आप जब इतने अच्छे मैसेजेस करते हैं तो हम और ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो उसके लिए क्षमा चाहिए मुझको, काफी ज्यादा हिंदी बोल दी है, पता नहीं सही बोली कि नहीं। एनीवे गाइस, अभी वीडियो का टाइटल पूछते हैं मौसम से। टाइटल है विन 2.9 लाख ओनली 29 मिनट्स यूनाइटेड इंडिया थाली। तो चलिए देख लेते हैं इस थाली को, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मेरे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। छोटे सरदार जी जा रहे हैं। अच्छा, मैंने तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है गोल्डी सिंह चैनल में दोस्तों, नई इंट्रो के साथ और नए मोशन के साथ। तो मेरे साथ है मिस्टर खन्ना। सत श्री अकाल जी। गलती खा गए जी, कोई गल नहीं, खन्ना भी चलेगा। मैं ऐसे सुमित, मायने में सुमित का होगा। कोई गल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, चलते रहो चलते रहो, दोबारा की गल नहीं। तो हमारे साथ की फर्क बैरे करना है कालरा की फर्क कर रहे हैं, चलो आगे बढ़ो। तो हमारे साथ है मिस्टर स्वीत कारला जी, जो कि एडोर 2.1 के ऑनर हैं जी। और हमें इन्होंने ये ऑनर बख्शा कि ये जो यूनाइटेड इंडियन थाली है जो हम इसको कवर कर सकें। बहुत बहुत थैंक यू जी। अरे प्लेजर इज ऑल माइन जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे दिमाग में आया, क्योंकि ये फिनिश तो हम भी नहीं कर पाए और भी लोग आते होंगे, आपका अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट ही है तो थोड़ा सा खाना वेस्ट हो जाता होगा, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? तो मैं आपको दोनों चीजें क्लियर कर देता हूँ। देखो, ये जो थाली है अलाकार्ट पे, इसमें चार लोग, पांच लोग, छह लोग, जितने मर्जी आके खाए, कोई वो नहीं है। इसका प्राइस 3000 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है, मतलब 500 रुपए पर पर्सन, 600 रुपए। ये तो वैसे ही फिनिश हो जाएगी, इसका तो वही हो गया। अगर आपको सिंगल पर्सन के अंदर दम है, हिंदुस्तान के सच्चे दबंगो, ओहो 4.25 kgs खाना है, इतना ज्यादा नहीं है, 29 मिनट 29 स्टेट्स 2.9 लाख जीत के जाओ कैश में, क्या ये है, लेकिन सिंगल पर्सन के लिए। और ये चैलेंज जो है दिन में होता है, मंडे टू फ्राइडे। टाइमिंग 1 से 5। तो 1 से 5 टाइमिंग है दोस्तों, हिंदी में समझा देता हूँ, 29 स्टेट का खाना है, 29 मिनट में निपटाना है, 2.9 लाख पाना है। क्या बात है, ये तो राइम वाला बात कर दी यार, तो सी चंगे बंदे और राइम भी बंदे। अच्छा फिर देसी तरीका। अच्छा फिर इसके अलावा एक और बात, जो आपका पहला सवाल, हमारा टाइप है वेस्ट नहीं करते खाना। अगर कोई चैलेंज भी ले रहा है, जो सुचे रह जाते हैं आइटम, जो टच नहीं हुए, दे गो टू द वेस्ट बिन पीछे। And we have a tie-up with an agency, NGO, जो रात को 2 बजे जाके बच्चों को बांट के आती है। बहुत बढ़िया लगा ये बात, पीछे हनुमान मंदिर, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि हम लोग सारा नहीं फिनिश कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात। आपको देख के मुझे लग रहा था, एक तो जोवियल हंसते हुए हंसने वाले बंदे ना, जब हंसते हंसते खा जाते मूड में आते खा भी लेते हैं, मुझे लग रहा था कि आप इससे ज्यादा कर लोगे। नहीं नहीं, वो उस भाव से आए नहीं ना। हाँ, भाव नहीं आया था उसके लिए, ये होता है कि यार मेरे करना है मुझे। हाँ, अब तो करना ही करना, नहीं तो गए। हाँ, पैसे गए। ये बात है। तो काला जी, एंड करते हैं अपनी टॉक को, हम चलते हैं थाली की तरफ। और ये बताइए कि अगर कोई हमारी वीडियो देख के आपके पास आता है तो कुछ रिगार्ड, कुछ प्यार मोहब्बत कर देंगे सर? 28 फरवरी तक आएगा, देखो हमेशा के लिए तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी खर्चे पूरे करने, लेकिन 25% ऑफ तक कर देंगे अलाकार्ट पे, थाली पे नहीं। अच्छा, अलग आर्ट पे मतलब आप आ रहे हैं, कोई अच्छा कर रहे हैं, अंटिल 28 फरवरी में आपके लिए गोल्डी जी का नाम लेंगे। अच्छा, तो हम गोल्डी जी का एक कूपन कोड निकाल देंगे। क्या बात है, मतलब अगर आप नॉर्मल यहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो उसके ऊपर आपको जो है कि 25% ऑफ है। 5 लोग आओ 6 लोग आओ, आराम से बैठो, एम्बियंस का आनंद लो, महाराजा के साथ बैठ के खाना खाने का आनंद ही हो रहा था भाई। तो चलो चलते हैं यार। भाई गॉड, ये बहुत हंसते हैं, मुझे तो मजा आ गया। आए भी आज आप गुरु गोविंद सिंह जी के बर्थडे पे, बड़ा चंगा दिन है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल गुरुपर्व है और आप सब भाईयों को, बहनों को गुरुपर्व की लख लख शुभकामनाएं सर आपको भी। और हम तो यही चाहते हैं कि जरूर यहाँ तक लोग पहुंचे, और किसी का सपना हो यार, कई बार होते हैं कि बहुत नीड होती है किसी को, तो ये कोई
मुश्किल काम नहीं है। दो लोगों ने 40 मिनट में मोदी वाली थाली खत्म की ना हमारी, बिल्कुल। हमने उनको 38 ग्राम गोल्ड दिया था, 197,000 का, 2% TDS काट के। ओके, तो बस वो कर सकते तो आप भी कर सकते, कोई भी कर सकता है दोस्तों। देख लो और इस वीडियो को बहुत प्यार दे, पहली बार आपके लिए भाई इतना, तो पहली बार हम ये कुछ बड़ा ट्राई कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो इसी के साथ चलते हैं खाने के टेबल पे। सत श्री अकाल वीर जी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, प्लेजर। हेलो, मैं हूँ हरीश और मैं यूनाइटेड इंडिया थाली लगा रहा हूँ यहाँ पे। सर ये क्या डाल रहे हो? ये रेड चिली होल है, कश्मीरी मिर्च, करी पत्ता, कैबेज है, श्रेडेड कैबेज, ये बनाना लीफ है, फ्राइड पापड़, कश्मीरी दम आलू है, दाल पचरंगा, हिमाचली छोले, हिमाचली दिल्ली से पनीर टिक्का बटर मसाला, ये भाजी है, इसके साथ अभी मैं पूरी दूंगा, सरसों का साग पंजाब से, ये भी भाजी है पाव के साथ ही, अभी पाव लगाने जा रहा हूँ, गट्टे की सब्जी राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से सागो खीर, कैबेज इनको रेल है, दही बड़ा आलू दम है उड़ीसा से, दाल मखनी सदाबहार, केरला से रसम, ये मिर्ची बड़ा है, ये भी नादरू की शामी है, ये भी कश्मीर से, हरा भरा कबाब उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से पनीर टिक्का, जलेबी, ये कहाँ से है? अचारी मिर्च, और ये साथ में फाफड़ा गुजरात से, सुना था ना? बड़े बड़ा? जी okay. असम से साफले, ठीक है, ये मैंने पहले बताया था, भाजी के साथ पूरी, मक्के की रोटी है सरसों के साग के साथ, ये पराठे हैं कॉमन, यार बहुत मुश्किल है इतना, ये सरप्राइज है जी, माय गॉड, ये सरप्राइज है दोस्तों और हैवी बहुत है। नहीं बता छोटे, ये पाव है, पाव भी है महाराष्ट्र से, कोई तो होगा पाव भाजी, ये कश्मीरी पुलाव है, ये कावा है, और ये खमीरी रोटी, इनके साथ कमंडल, इसमें चटनी है, चटनी रायता, ग्रीन चटनी, ये उत्तराखंड से तिल की चटनी है, ये हॉट गार्लिक सॉस है, और ये पिकल है, वाह, ये साथ में है जी, गुड। तो दोस्तों लग चुकी है हमारी थाली, देखो आप, अमेजिंग, और ये सरप्राइज है दोस्तों, म्यूजिक बहुत अच्छा है, फूड भी अच्छा है। तो दोस्तों फाइनली हमारी इंडियन, यूनाइटेड इंडियन थाली लग गई है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाने, विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्टेट से आए हैं दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये थाली के अंदर 29 स्टेट का खाना है दोस्तों, और जो भाई इसको 29 मिनट में फिनिश करेगा उसको 2.9 लेख का, मतलब 290,000 का इनाम भी है। तो हमारे साथ है खास मेहमान रेंद्र पाल सिंह जी, सत श्री अकाल पाजी। ये पाजी, ये फेस भाई पहचान का मोहताज नहीं रहा आप, क्योंकि ये कैफे पंजाब के ओनर हैं और हमारे बड़े भाई हैं। तो भाई दक्ष, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। मतलब सबसे बढ़िया क्या खुशबू आ रही है? सबसे बढ़िया चारों की फूड की अपने आप मिक्स होके खुशबू आ रही है। मिक्स होके खुशबू आ रही है यार, बस देख लो दोस्तों। तो दोस्तों हम पहले इसको ट्राई करेंगे और उसके बाद ही मैं रिव्यू दूंगा, क्योंकि इतना सारा खाना है, देख के मुँह में पानी आ रहा है यार। थैंक यू भैया, चलो शुरू करो। हम अपने मुंह का पानी। यार प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है, डिफरेंट कलर्स और यू नो जिस तरीके से बना हुआ एक मैप, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, तो एक बहुत यूनिक आइडिया। पुलाव, कश्मीरी पुलाव, और इसको खाने के बाद पेट का क्या हाल होगा ना हमारे जैसे लोग। भाई बस अब हिम्मत नहीं है भाई, इतना कुछ खा लिया है। भाई तुसे की खादा ये बताओ?
थोड़ा सारा कुछ मैंने लिया है। हाँ भाई, तुमने क्या लिया है दक्ष? मैंने पनीर लिया, पाव भाजी ली और वड़ा लिया। वाओ। और ये रोटी ली। ओके। और मैंने साग और मक्की की रोटी ली और ये खाया था। आलू की टिक्की है। आलू की टिक्की खाई थी। ओके। और ये छोलों की सब्जी टेस्ट करी थी। सबसे अच्छा क्या? क्यूट है ना? क्या बात है, ये इसने खाया है। गुड। तो सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा मुझे? सबसे मुझे सारी चीजें अच्छी लगी। वाओ, गुड। एक ही बार में बात निपटाई। और ये भी मैं ही कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी स्टेट का हमने खाना खाया, वाकई में यार एक बाइट लेते ही हम वहां पहुंच गए। मतलब एक बाइट ली मुंबई, एक बाइट ली गोवा, एक बाइट ली दिल्ली, दूसरी बाइट पंजाब। पाजी मजा आ गया यार, पूरा इंडिया एडोर 2.1 ने यहाँ इस टेबल पे लाके खड़ा कर दिया यार। मतलब मेरे मुंह के स्माइल देखो, मतलब गाल फटने को आ रहे हैं, इतनी स्माइल आ रही है भाई, मजा आ गया। और भैया को स्पेशल इसीलिए लेके आए हैं कि थोड़ा इनको थोड़ा मसालों की ज्यादा समझ है। तो आज बताओ कि पाजी एक टेक्निकल रिव्यू दो इसका। नहीं पाजी, टू बी वेरी फ्रैंकली अगर देखा जाए ना, तो हर एक चीज ना अपनी जगह परफेक्ट है। अगर पंजाबी टेस्ट देने की कोशिश करें तो उसमें प्रॉपर पंजाब का टेस्ट आ रहा है। कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई पंजाब का है, कोई लुधियाना, पर जो भी चीज है ना अपनी जगह परफेक्ट है। कोई भी मसाले मतलब एक इंच भी कहूंगी दाएं बाएं नहीं हुआ, परफेक्ट है। ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। गुड जी पाजी, भाई ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट। टिफिन भाई ये खोलना बाकी है। हाँ, मैं कहूंगा थोड़ा सा सर आगे आइए दोस्तों। इसमें जो है कि सलाद है, तो भाई ये बिस्मिल्ले भात टाइप लग रहा है। और ये है दोस्तों वेज बिरयानी। अच्छा। मतलब ये प्रॉपर एक लंच बॉक्स में प्रॉपर आपको लंच सर्व किया हुआ है। अमेजिंग है दोस्तों, इसको ट्राई करते हैं। लाइक बहुत ही बढ़िया। मतलब यार एक बात बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, जितना भी फूड टेस्ट किया है ना, सबके मसाले और सबका टेस्ट बिल्कुल अलग अलग है। ये नहीं हो रहा कि एक ही चीज सबने एक ही मैरिनेट है। क्यों भाजी? बिल्कुल भाजी, ये बहुत अच्छी बात लगी। और बिरयानी का कलर देखो यार आप, बहुत अमेजिंग। एक बार दोस्तों यहाँ पे आना बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहली बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, क्योंकि अब आपको हर हफ्ते एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाने का वादा किया है आपको दोस्तों, और ये वादा हम और दक्ष मिलकर निभाएंगे। क्यों भाई? हाँ जी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार। समटाइम्स क्या होता है कि इतना ज्यादा खाना देख ना आपका वैसे पेट भर जाता है, क्योंकि अगर आपको ज्यादा भूख भी लगी हो ना तो आपसे ज्यादा खाया भी नहीं जाता। लेकिन मैं ये बात बोलती हूँ, हमेशा आप जब डिफरेंट आइडियाज लेकर आते हो तो लोग हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हम लोगों ने जितनी भी फूड से रिलेटेड वीडियोज देखी या फूड ब्लॉगिंग देखी है, उसमें हम लोगों ने ये चीज कभी भी पहले नहीं देखी कि डिफरेंट स्टेट्स के फूड एक मैप बनाया। मतलब जो थाली है, मतलब हम लोगों ने याद है, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी थाली देखी। बिल्कुल, थाली देखी थी, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फूड था, लेकिन एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाकर फूड देना ये वाकई एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। और फिर उसके साथ मौसम, उस जगह का, उस स्टेट की जो भी स्पेशलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको प्लेस करना उस जगह में, और उसके स्पाइस परफेक्ट रखना, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। यानी कि जैसे हम कभी गाने सुनते हैं ना, तो एक बीट पर आप सारे गाने चला देते हैं। इसी तरह आप ये मतलब खानों को एक ही मसाले में या एक ही उसमें नहीं चला सकते, आपको डिफरेंट डिफरेंट यू नो टेस्ट फ्लेवर चाहिए। जैसे अगर हम बात करें हम मैदानी इलाकों के जो लोग हैं, जैसे जो हम लाहौर में रहते हैं, हम मिर्चियां थोड़ी ज्यादा खाते हैं, लेकिन अगर हम पहाड़ों में जाएं तो वो लोग वो तो इतनी हल्की खाते हैं ना कि वो रंग भी नहीं आता। नहीं, वो थोड़ा हल्का भी खाते हैं, थोड़ा प्याज वगैरह ज्यादा खाते हैं जो हमें मीठा लगता है, तो यू नो टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं नो डाउट ऐसी जगह ट्राई करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा मन करेगा मैं जरूर एक मरतबा ट्राई करूँ। खा मैं नहीं सकती, ये भी हकीकत है। और मौसम तो बिल्कुल भी नहीं खाते, मतलब हम दोनों, मुझे लगता है कि इस क्योंकि वो माशाल्लाह सही ठीक ठाक खाते हैं। लेकिन अगर हम दोनों की बात करें ना, हम दोनों बस नॉर्मली, इवन कि हम दोनों जब हाइटी पे भी जाते हैं ना, तो हम दोनों यही फैसला करके जाते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा खाएंगे लेकिन सब कुछ चख के आएंगे, लेकिन वहां पे जाके फिर भी नहीं चखा जाता। अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली
पर्सनली ना मैं अपने लिए अगर चूज करूँ तो मैं आला कार्ट चूज करती हूँ। उसकी रीजन ये है कि मैं सारी चीजें नहीं टेस्ट कर पाती अगर अगर बफे में है या फिर हम हाइटी पे जाते हैं, तो मेरा होता है कि स्पेसिफिक खाना बस मैं खा लेती हूँ और उसके बाद मेरा मन नहीं करता कि मैं कुछ और खाऊं। मतलब इतनी ज्यादा मुझे डिजायर नहीं रहती कुछ भी खाने। और मैं अगर बात करूँ तो मैं जो है बफे या हाइटी जो भी है वो मैं वो प्रेफर करता हूँ। थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन ज्यादा तो खा सकते हैं, ज्यादा टेस्ट कर सकते हैं ना। लेकिन चले कुछ बच जाता है, लेकिन अलग अलग में क्या है, सिर्फ एक आप डिश मंगवा लें बस, उसके अलावा कुछ खा नहीं सकते। अगर आपका दिल करे खाने को तो फिर बंदा क्या करे, देखता रहे बैठा रहे हैं। नहीं मैं अपने बारे में बात बोलती हूँ कि मुझे ये होता है कि अभी जैसे मेरा टेस्ट, अगर मेरे मान लो मैंने पास्ता मतलब खाया ठीक है, मुझे पास्ता खाने का मन है तो मैं पास्ता खाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे ना टेस्ट स्विच करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं मतलब ये नहीं होता मुझे कि मैं फौरन से टेस्ट स्विच करके मुझे उस चीज का भी उतना ही ज्यादा मजा। नहीं भाई हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, हमारा फौरन टेस्ट स्विच हो जाता है, मौसम आगे हमें टाइम लगता। लेकिन इसके अंदर जो चीजें पड़ी हुई थी ना बहुत मजे की। अभी पिछले दिनों में मैंने भी पनीर का यू नो एक क्या मतलब पनीर का सालन बना के खा रही हैं दो तीन दिनों से, मतलब इंडियन फूड देखकर तो वो बहुत टेस्टी बना था। मैंने फर्स्ट टाइम पनीर खाया था, मतलब ऐसे उसको फ्राई करके और वेजिटेबल्स के साथ, तो मुझे अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और मैंने सोचा भी था कि मैं पिक्चर भी पोस्ट करूंगी, लेकिन है मुझे याद नहीं रहा। काफी मजे का था और हेल्दी भी आई थिंक काफी ज्यादा होता है ये वाला तरीका। और उसके अंदर जो एक मिर्च का एक क्या था, मतलब बड़ा था मिर्च का कुछ इस तरह से वो बना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपने सालन में कम मिर्च बनाया था? मतलब मिर्च से रिलेटेड धनिए से टमाटर इस तरह की चीजें जब मिक्स होकर आती है ना तो मेरे मुंह में तो पता नहीं खुद ब खुद पानी आना शुरू हो जाता है। भाई वैसे मुझे मिर्चों से प्यार नहीं है क्योंकि खाते वक्त बहुत अच्छी लगती है बात का फिर मैं बता नहीं सकता। लेकिन अगर मैं खाने की दूसरे की बात करूँ ना, मुझे वो वाकई बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसा उसका वो यू नो डिजाइन था एक थाली का, फिर उसके बाद जो हर स्टेट में जो उन्होंने रखी चीजें तो आपको आपको यूनिक यानी कि बहुत अच्छा लगता है। जैसे सरदार जी ने कहा कि आप एक मिनट में पंजाब हैं, एक मिनट में आप गोवा में हैं, एक मिनट में आप असम में पहुंच गए हैं। तो वाकई इस तरह की फीलिंग्स आती हैं, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ट्रैवलर्स हों और वो खाते पीते रहते हो फूड कभी किसी स्टेट का कभी किसी स्टेट का, तो उनके लिए वाकई बहुत अच्छा अनुभव होगा। अच्छा, इस वीडियो में जैसे बोला गया कि एक और चैलेंज था शायद मोदी जी की थाली, उनके नाम से कोई थाली रखी गई 30 ग्राम सोना, जरूर देखना चाहेंगे। प्लीज हम लोगों को जरूर वीडियो का लिंक शेयर करें अगर आप लोगों को पता है। और इसके अलावा मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मुझे एक और आइडिया बहुत अच्छा लगा था। प्रेजेंटेशन मुझे कमाल की लगी कि जिस तरीके से जो चटनियां थी वो यू नो एक जो चाय वाला स्टॉल सा बना होता है, क्या बोलते हो ना चाय वाला स्टॉल तो नहीं होता वो क्या होता है मतलब पकड़ने के लिए, आई डोंट नो क्या उसको बोलते हैं, लेकिन मतलब चाय स्टॉल पर अक्सर ऐसा होता है कि डिफरेंट लोगों को चाय जब देनी होती है उसमें रख कर देते हैं, मुझे वो चीज बहुत अच्छी तड़के वाले चावल बनते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं कि वो टमाटर की चटनी बनाते हैं बहुत मजे की बनती है, और फिर उसके बाद अगर धनिए की और हरी मिर्च की चटनी बनाओ तो बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट चटनियां बनती है, लहसुन का बहुत टेस्ट अच्छा आता है चटनियों में। एनीवे मुंह में पानी इतना ज्यादा आ जाएगा कि मेरा हाल में भी बस कर देना चाहिए, स्लाब बह जाएगा इधर। वेल गाइस, अगर आप लोगों ने ये थाली ट्राई की है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड आई थिंक ये दिल्ली में है तो फिर हम लोग भी जाकर जरूर ट्राई करेंगे जब हम लोग आएंगे मौसम, एक बार ट्राई करना तो बनता है। वेल गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपने एंजॉय की होगी। अब इजाजत, मेरे वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।